अगली खबर आ रही है कन्नौज से, जहां विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के सारदामई गांव में बीती रात एक बुजुर्ग महिला पर कच्ची दीवार ढहरी, इससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। नाले की सफाई के लिए मलबा हटाने के दौरान ग्रामीणों को महिला के दबने की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पति व बेटे का कई साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, वह घर पर अकेली रहती थी। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के सारदामई गांव निवासी मिठानी देवी उर्फ माया देवी पति दर्शन लाल मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालती थी। बीती रात अचानक उनके ऊपर कच्ची दीवार गिर पड़ी, मलबा के नीचे दबने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतका घर पर अकेली रहती थी। उसके पुत्र प्रमोद का मुंबई में करीब 15 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जबकि पति की पंजाब में 25 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दीवार गिरने के कारण नाली बंद हो गई थी। सोमवार को ग्रामीण जब बंद नाली का मलबा हटा रहे थे, तभी महिला की साड़ी दिखाई पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने मलबा हटाकर महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। मृतका माया देवी की 4 पुत्रियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस व नायब तहसीलदार दीपक गौतम मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो कैसे हुई थी? मिठानी देवी और माया ग्राम सरदामई की रहने वाली हैं। इनके पति की भी एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। पंजाब में इनका बेटा भी मौत हो गई है। इनकी 4 बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई है। कच्चे मकान में रहती थी। करीब 12 बजे की तरफ उनकी दीवार गिरी, उसमें इनकी दब के मौत हो गई। सुबह जब देखा गया वहाँ पर ये मृत पाई गई। क्या नाम था आपकी माँ का? कहाँ के रहने वाली थी? कैसे खत्म? कैसे खत्म हो गई? दीवार फट गई थी। क्या करती थी आपकी माँ? कैसे खत्म हुई? क्या करने गई थी? बाथरूम करने गई थी ना, पता नहीं कैसे खत्म हो गई। सुबह आई थी। कच्चा था क्या मकान? कच्चा भी था, पक्का भी था। क्या करती क्या थी, कैसे गुजर करती थी? मजदूरी करती थी, दूसरे के काम खेत में करती थी। और इनके पति और बेटा खत्म हो गए? बेटा भी खत्म हो गया। पति कैसे खत्म हो गए थे? वो तो बाहर खत्म हो गए थे। कैसे शायद पता नहीं मुझे, मैं तो बचपन आता हूँ।